2 का प्रोसेस था वो क्या रहा और किस किस तरह से प्रोसेस पे कौन कौन सी चीज़ें हुई और उसके बाद वो GD क्वालिफाई किया। GD के साथ साथ उसने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है ना फेज 2 का, तो वो प्रोसेस क्या रहा जाने के लिए आप एक्साइटेड हैं, बने रहिए मेरे साथ। पहले तो देवेन बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, तुम्हारा फेज 2 क्लियर हुआ है राइट। तो हमारे साथ में पूरी ऑडियंस है, हमारे साथ में पूरे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका GD और फेज 2 अगले कुछ दिनों में है, 25 तारीख तक है, तो उनको गाइड कर दो एक बार कि प्रोसेस क्या रहा, किस तरह से क्या क्या कराया, फिजिकल में क्या कराया, वो सारा प्रोसेस एक बार बताओ। थैंक यू सर। पहले एंट्री हुई गेट पर, सबसे पहले फिजिकल के लिए ले जाया गया, उसमें 50 कदम काम थे, स्क्वाड्स थे, पुशअप्स थे, सबसे ज़्यादा जोधपुर में फिजिकल में आउट किए गए थे बच्चे okay. और उसके बाद मतलब और उसके बाद अंदर आ गए, एंट्री हो गई और उसके बाद फिर फॉर्म फिले हुए और फिर साइको वगैरह हुआ। साइको में 3 फेल हो गए थे स्टूडेंट्स। अच्छा इस बार DFT नहीं हुआ? इस बार DFT हटा दिया गया है। अच्छा DFT हटा दी, तो डी आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि DFT हटा दिया गया है, इस बार DFT नहीं हो रहा है ओके। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद फॉर्म जो प्रोसेस होती गई वो होती रही, उसके बाद GD के लिए बुलाया गया ओके। तो पहले आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल में 50 कदम ताल हाँ। और साथ में डिप्स और स्क्वाट्स रहे होंगे? यस सर। ओके कितने कितने थे? 50 कदम ताल थे ओके और स्क्वाट्स थे 20 स्क्वाट्स ओके और पुशअप्स थे पुशअप्स ठीक है। तो पुशअप्स जो ले रहे थे वो रुक रुक के ले रहे थे या उसमें होल्ड कर रहे थे? होल्ड कर रहे थे ओके ओके ओके। काफी स्टूडेंट आउट हुए थे ठीक। सबसे ज़्यादा आउट हुए जोधपुर सेंटर पर 115 वाला। तो तुम्हारा सेंटर जोधपुर था? यस सर। ओके ठीक है। वो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में फिर SRT हुआ? यस सर। ओके SRT में कितने क्वेश्चंस थे, कितने अटेम्प्ट किए? 45 क्वेश्चंस थे, 30 मिनट से ही मैंने पूरे अटेम्प्ट किए ओके। और उसके बाद फिर? उसके बाद फॉर्म भरे गए कुछ और फिर GD के लिए ले जाया गया। ग्रुप डिस्कशन हुआ और उसमें हमारे बैच में 15 स्टूडेंट में से 8 सेलेक्ट हुए ओके। 15 स्टूडेंट से 8 सेलेक्ट हुए। टॉपिक कौन सा आया था तुम्हारा? टॉपिक तो आपने कराया था सर, वही को एजुकेशन सिस्टम आया था ओके। को एजुकेशन सिस्टम आ गया था, बहुत बढ़िया। तो प्रोसेस क्या रहा फिर GD का? प्रोसेस पहले इंट्रो राउंड हुआ, ब्रीफ हुआ, फिर क्वार्टर ने पहले समझाया था, मतलब इंस्ट्रक्शन दिए थे उन्होंने, तो हमने पहला राउंड दिया ब्रीफ, इंट्रो प्लस ब्रीफ और फिर बाद में थर्ड राउंड में डिस्कशन के लिए हम फ्री थे ओके। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि किस किस तरह की गलतियाँ से हमें बचना चाहिए GD के दौरान। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की गलतियाँ करते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? यस सर, हमारे बैच में सब लोग अपने अपने थॉट्स रख रहे थे जी। विंग कमांडर ने उन्हें रोका, बीच में गाइड किया कि अपने आप को मतलब पहले जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसे एग्री या डिसएग्री करो जब अपने पॉइंट रखो ओके। हमारे बैच में एक लड़का ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, वो अपने अपने पॉइंट रख रहा था, विंग कमांडर ने उसे बीच में रोक लिया ऑफिसर्स ने और कहा इसने क्या बोला, उसने कोई जवाब नहीं दे पाया, लास्ट में उसे आउट ही कर दिया गया। आउट कर दिया बाद में पता चला, यानी कि जो बच्चा अच्छा बोल सकता था उसे भी आउट कर दिया, यानी कि आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बोलना है लेकिन इफेक्टिव बोलना है ओके 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 ओके। तो उसके बाद फिर आपका GD कंप्लीट हो गया और फिर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके मेडिकल की डेट क्या मिली आपको? मेडिकल 3 फरवरी जैसलमेर राजस्थान। चलो बहुत बढ़िया। तो यह जो आपका सेंटर था वो जोधपुर सेंटर था? यस सर। पहला बैच जोधपुर सेंटर 11 तारीख। यस सर। बहुत बहुत बधाई हो देवेन तुम्हें। और ये तुम्हारा पहली बार था GD और फेज 2 या पहले भी दे चुके हो कभी? ना पहली बार, फर्स्ट टाइम था फेज 2। फर्स्ट टाइम था ओके, फर्स्ट टाइम में आपने क्वालिफाई किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहोगे? सर इसका पूरा श्रेय आपको। भाई मुझे क्यों है? आपने गाइड नहीं किया होता तो हम कैसे निकालते? लेकिन आपने मेहनत नहीं की होती तो कैसे निकलता? नहीं सर, ओके डेफिनेटली। चलो गॉड ब्लेस यू। और ये सारी वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है जिससे कि जिन बच्चों का अब अगले कुछ दिनों में है वो प्रॉपर गाइडेंस ले लें यहाँ से, और लेने के बाद में अच्छे से तैयारी करके जाए और इन चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक नेगेटिव रिजल्ट की तरफ ले जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।
और बहुत बड़ा बूम मचने वाला है 2021 में। बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होके आ रहे हैं और हमारे पहले दिन हमारे 5 स्टूडेंट थे, 5 में से 5 के 5 सेलेक्ट हुए हैं। सो बहुत बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है और बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।